गाइस, वेलकम बैक टू आर्टोग्राफी स्टूडियो। मेरा नाम है विजय और आज हम लोग सीखेंगे फेस प्रोपोर्शन। फेस प्रोपोर्शन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, जिसके लिए मैंने एक सर्कल का यूज़ किया है और उसको एक सेंट्रल लाइन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और लाइन को मैं नीचे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ सर्कल के। वो रहेगा लगभग आपका रेडियस के जितना और उसके बाद हम इसके शेप को ओवल में कन्वर्ट कर देंगे और जो बीच की लाइन है मैं उसको साइड में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम उसको इक्वली बता पाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हम लोग बना पा रहे हैं। तो फोर इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे इस सेंट्रल लाइन को, और जो सेंट्रल लाइन है हॉरिजॉन्टल जो हमने मार्क किया है इस पर हमारी आइज आनी चाहिए। अब इसके लिए हम लोग फोर इक्वल पार्ट्स में ईच सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं हम आईज के बीच का गैप और दूसरा आईज दोनों एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद हम लोग आई को ड्रॉ कर लेते हैं। आई की शेप काफ़ी लोग आलमंड शेप में बनाते हैं, बादाम शेप में बनाते हैं, वो जो कि नहीं होती है वैसी शेप। तो उसको ज़रा आप लोग ध्यान से देखें शेप कैसी होती है। इसके लिए मैं अलग से आपको फीचर्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें आईज नोज़ कैसे ड्रॉ किया जाता है डिटेल में। अभी हम प्रोपोर्शन पे फोकस करते हैं। आईज से मैंने एक लाइन लगाई जहाँ से आपकी आईज ऑलमोस्ट शुरू हो रही है, वहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर आपके नोस्ट्रिल आने चाहिए। देखो, ये जितना भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आप देख सकते हैं कि एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि सारे फेसेस ऐसे ही होते हैं, राइट? मैं इसको डिटेल में भी आप आगे चल के भी बताता रहूँगा। लिप के लिए भी आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने आईबॉल बनाई है उसको अगर लाइन एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ तक आप एक लिप के एस्टीमेट ले सकते हैं, उस लिप को ड्रॉ कर सकते हैं। और आईब्रोज जो हैं वो आईज के थोड़ा सा क्लोज रख सकते हैं। मानना यह है कि सारे फेसेस का प्रोपोर्शन जो होता है वो अलग होता है, हाँ, बट ये है कि मोस्ट कॉमन यूज होने वाला जो एक प्रोपोर्शन है वो कैसा है, राइट? हम उसको लेके ड्रॉ करते हैं, लेकिन हर फेस का प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है। आपको सब में फीचर्स अलग मिलेंगे, थोड़े से किसी की नोज लंबी मिलेगी, किसी की नोज छोटी होगी, किसी के लिप्स बड़े होंगे, किसी की चिन बड़ी होगी, किसी की चिन छोटी लगेगी आपको। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ऊपर जो बालों को हमने बनाया है उस एस्टीमेट से हमने थोड़ा सा लार्जर साइज रखा है बालों के लिए, और ईयर की जो लाइन रहती है वो ऑलमोस्ट रहती है आईज और नोज के जितने, जहाँ तक नोज हो गया जहाँ से आईज हो गया, राइट? इसकी जॉ लाइन को हम करेक्ट कर देते हैं। उसकी जो नेक की लाइन है ऑलमोस्ट होती है वो जो आपके ईयर होंगे ईयर के साइड से निकलते हुए आप बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। पेपर भी आप लोगों को जानना होगा कि पेपर कौन सा है, तो लास्ट वीडियो भी मैंने इसी पेपर के ऊपर बनाया था। बेज टोन पेपर है ये, बेसिकली स्केचबुक है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो लास्ट वीडियो भी हमारी देख सकते हैं, उस पर मैंने हेयर ड्रॉ करे थे। तो गाइस, फेस प्रोपोर्शन के साथ आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन जो चीज़ें होती हैं फेस में वो यही है कि आईज जो होते हैं वो दोनों इक्वल होंगे, और आईज इक्वल होने के साथ साथ जो आईज का गैप होता है वो कितना बनाया जाए वो भी आईज के इक्वल ही बना सकते हो। ये एक मोस्ट कॉमन पोर्ट्रेट को आप देख सकते हो, राइट? इसमें मैं सोर्स ऑफ लाइट जो है ऑलमोस्ट जो फ्रंट से मैं रख रहा हूँ, इसलिए इसकी शेडिंग म्यूजिक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो देखें, फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं वापस, तब तक आप म्यूजिक सुनो।
नीचे की तरफ डार्क किया, साइड में डार्क किया और बीच से थोड़ा थोड़ा लाइट छोड़ा हुआ है ताकि लिप फ्लैट ना लगे, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए लिप के अंदर। चिन को थोड़ा सा मार्क कर देते हैं ये, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है लिप का साइड का वो डेप्थ में रहता है, इसलिए उसको डार्क कर दें। तो जितना भी पार्ट डेप्थ में होगा आप उसको डार्क कर दो, और जो ऊपर की तरफ उठा हुआ हो उस पार्ट को लाइट कर सकते हो। तो बहुत हल्के हल्के से लाइट्स मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और बहुत हल्के हल्के से डार्कनेस इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल है ये, मैकेनिकल पेंसिल है। ऑल्दो कुछ लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि फीचर्स को लेके, कि फीचर्स को अलग से ड्रॉ करने में उनको परेशानी होती है, अलग से सिर्फ आईज़ को कैसे बनाया जाए, नोज़ कैसे बनाया जाए, लिप कैसे बनाया जाए। तो एक बेसिक फॉर्मूले वाला जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगा। बालों में भी इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, एक थोड़ा थोड़ा सा फ्लैट शेड ही लगेगा आपको। तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हमने एक सर्कल लिया, सर्कल के बाद उसमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी वर्टिकल, और उसका सेंटर पॉइंट से जो बेसिकली रेडियस था उस रेडियस को हमने एक्सटेंड करा, और एक्सटेंड करके हमने देखा है कि आईज़ के लिए चार इक्वल पार्ट्स हमने बनाए। जितने आईज़ होगा उसके बीच में गैप होगा। हमने नोज़ की विड्थ के लिए आईज़ के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं दोनों वहाँ से लाइन्स ड्रॉ करें। गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और आप में से जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो इस पे आपको मिलेंगी, काफ़ी कुछ आप लोग सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।